और अब बात कोरोना अपडेट की भी कर लेते हैं। एमपी में लगातार कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। 24 घंटे में 9 मौतों के साथ 1885 नए केस सामने आए। छिंदवाड़ा में रविवार को और सोमवार को लॉकडाउन रहेगा। होली त्योहार को लेकर भी सख्ती की जा सकती है। एमपी में एक अभियान भी चलाया जा रहा है, मेरी होली मेरे घर अभियान। एमपी में होली को देखते हुए चलाया जा रहा है। सबसे अलग अगर आंकड़ों की बात करें तो धीरे धीरे आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। 24 घंटे में 9 लोगों की जान जा चुकी है। 1885 नए केस सामने आए हैं। छिंदवाड़ा में रविवार और सोमवार को लॉकडाउन रहेगा। होली त्योहार को लेकर और भी सख्ती की जा सकती है। एमपी में संक्रमण ने बढ़ाई चिंता। गुरुवार को संक्रमण का टूटा रिकॉर्ड। एक दिन में सबसे ज्यादा केस दर्ज। मध्य प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक होती जा रही। गुरुवार को संक्रमण ने 6 महीने के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। कोरोना के बढ़ते संक्रमण की वजह का असर होली के त्योहार पर पड़ने वाला है। गुरुवार को 6 महीने में सबसे ज्यादा मामले दर्ज हुए। एक दिन में सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए। गुरुवार को 1885 कोरोना के केस दर्ज हुए। कोरोना से एमपी में 9 लोगों की जान गई। रविवार को 7 शहरों में लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया है। पहले हमने 3 जिलों में संडे का लॉकडाउन किया था। अब कल की मीटिंग में मुख्यमंत्री जी ने 3 को बढ़ाकर 7 जिलों में कर दिया है। जो पहले इंदौर, भोपाल और जबलपुर में था, अब बढ़ाकर छिंदवाड़ा, बैतूल, रतलाम और खरगोन में भी संडे को लॉकडाउन रहेगा। और जो त्यौहार हैं उसमें भी अपील की गई है कि ज़्यादा लोग एकत्र न हो। शादी विवाह में भी 50 से ज़्यादा लोग एकत्र न हो। इवन शव यात्रा में भी 20 से ज़्यादा लोग एकत्र न हो। मध्य प्रदेश के 7 जिलों में रविवार को लॉकडाउन लगाने का जहां फैसला किया गया है, वहीं छिंदवाड़ा जिला प्रशासन ने इसे बढ़ाकर 56 घंटे करने का फैसला किया है। 27 मार्च की रात 10 बजे से मंगलवार सुबह 6 बजे तक बंद रहेगा। बाहरी राज्य से आने वाले लोगों को 10 दिन तक क्वारंटीन रहना होगा। होली पर महाराष्ट्र से लगी सीमा पर सख्ती बढ़ाई जाएगी। बिना अनुमति के कोई कार्यक्रम नहीं होंगे। होली में हर प्रकार के आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे। विवाह में 50 और अंतिम संस्कार में 20 लोगों की छूट रहेगी। होली के जुलूस, गैर मेले आदि के आयोजन पे पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। शासन के ऐसे निर्देश आए हैं और किसी भी प्रकार का सार्वजनिक आयोजन, सार्वजनिक रूप से लोगों का एकत्रीकरण पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। वैवाहिक कार्यक्रमों में वर वधु पक्ष मिला के कुल 50 व्यक्ति की अनुमति मिल पाएगी और अंतिम संस्कार के लिए पंडित नाई आदि को सम्मिलित करते हुए 20 व्यक्ति की छूट मिल पाएगी। छिंदवाड़ा में बढ़ी सख्ती पूरे प्रदेश के लिए चेतावनी है। सरकार ने भी इसके संकेत दिए हैं। सरकार का कहना है कि फिलहाल लॉकडाउन लगाने के पक्ष में सरकार नहीं है, लेकिन लोगों ने गाइडलाइन का सख्ती से पालन नहीं किया तो ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है। यानी कि संक्रमण बढ़ा तो प्रदेश में कोरोना को लेकर सरकार सख्ती करने पर विवश हो सकती है। भोपाल से जितेंद्र शर्मा और छिंदवाड़ा से महेश चांडक के साथ टीम न्यूज़ 8।